मैंने अपनी एक्साइटमेंट होल्ड नहीं कर पा रहा। अभी 7 किलोमीटर हम और आगे आए हैं। ओहो, अनइमेजिनेबल। आप गूगल में सर्च कर लो अरुणाचल प्रदेश के क्लाउड की फोटोग्राफ्स और कैसे कैसे सीन होते हैं। मुझे लगता है पूरा इंटरनेट ढूंढ लोगे तो भी ऐसा सीन नहीं मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में तवांग सर्किट टूर की शुरुआत हमने गुवाहाटी से करी। फर्स्ट नाइट स्टे हमने बॉमडिला में किया, फिर वहाँ से हम दिरांग गए और वहाँ पर हम 2 रात रुके। इस पूरे टूर में मेरे जो टॉप के 5 एक्सपीरियंसेस थे उसमें से एक एक्सपीरियंस जो था वो लुब्रांग टॉप का था। लुब्रांग टॉप जाने का जो रास्ता है वो दिरांग से ही है। एनीवेज, ये आप आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। दिरांग से आगे चलकर हम तवांग की ओर गए और जैसे हम दिरांग से तवांग की ओर बढ़ रहे थे ना, तो मैंने देखा पूरी जर्नी के डायनामिक्स ही बदल गए थे। जर्नी में समझ लीजिए एक्साइटमेंट मल्टीफोल्ड बढ़ गई थी। तवांग पहुंचकर वहां हम 3 रात रुके। ये पूरा सफर हमने 12 दिन में किया। इस पूरी सीरीज में लगभग 9 से 10 एपिसोड रहेंगे। नमस्कार फ्रेंड्स, वीजा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। इस समय हम गुवाहाटी में हैं। गुवाहाटी को गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया क्या के भी बुलाया जाता है। हम अभी सरायघाट ब्रिज के ऊपर खड़े हैं। इधर को आप देखिए ब्रह्मपुत्रा नदी। यहाँ पर खड़े होके नदी का व्यू बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। कुछ देर पहले ही बरसात होके हटी है तो मौसम भी बहुत शानदार है। हम अरुणाचल प्रदेश में तवांग सर्किट का टूर कर रहे हैं। आज हम रात को बॉमडिला रुकने का प्लान कर रहे हैं। बॉमडिला जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप तेजपुर भालूपोंग होते हुए चले जाएं। सेकंड रूट है जो हम ले रहे हैं, ओरांग माजबात होते हुए हम जाएंगे शेरगांव और उसके बाद बॉमडिला। ये हमारा आज का जर्नी प्लान है। चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। आइए जी। गुवाहाटी से लगभग हमने 105 किलोमीटर का सफर कर लिया है। अभी हम रोहता चौराहे पर खड़े हैं। अगर यहाँ से हम सीधे चले जाएंगे, इधर देखिए 1 से 1.5 किलोमीटर तो रेलवे स्टेशन आ जाएगा और रेलवे स्टेशन पे टी पॉइंट है, उसके आगे आप नहीं जा सकते, मतलब कुछ भी नहीं है। अगर हम इस तरफ को जाएंगे, यहाँ देखिए, तो भैरव कुंड होते हुए हम बालीमू पहुँच जाएंगे और इस चौराहे में अगर हम राइट टर्न ले लेंगे और इधर चले जाएंगे तो हम ओरांग माजबात होते हुए बालीमू पहुँच जाएंगे। तो ऐसा समझ लीजिए कि हम ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं जहाँ से 2 रास्ते हैं, ऐसे चले जाएं और घूमकर दोनों रास्तों ने बालेमू में मिलना है। वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम असम में ही हैं और ये जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, इस डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं उदलगुरी डिस्ट्रिक्ट, राइट। ऊपर आप क्लाउड्स देख लो, इस समय तो बरसात नहीं हो रही लेकिन मौसम देख के लग रहा है कि बरसात कभी भी हो सकती है। हम ओरांग वाला रूट इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पर हमको रसगुल्ला खाने को मिलेगा। सुना है ओरांग का रसगुल्ला फेमस है। चलिए जी। हम ओरांग पहुंच चुके हैं। यहाँ पर मिठाई की 5 से 6 दुकानें हैं जहाँ पर आपको रसगुल्ला खाने को मिलेगा। तो इनमें से ना हम एक शॉप के बाहर खड़े हैं अभी, रुचिका, ठीक है। यहाँ चल के हम रसगुल्ला खाएंगे। मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर शुरुआत रसगुल्ले की एक आदमी ने किया था, अभी तो उसकी डेथ हो चुकी है लेकिन उसका रसगुल्ला बहुत फेमस था। उसके बाद फिर धीरे धीरे सब शॉप्स में रसगुल्ला मिलने लगा। चलिए शॉप के अंदर चलते हैं। ये है जी यहाँ का फेमस रसगुल्ला। मेरे साथ अजय है। अजय के साथ हम ये जर्नी कर रहे हैं गुवाहाटी से तवांग और रिटर्न। लो ना। ओवरऑल ऐसा तो नहीं मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा स्वाद है या ख़राब है, लेकिन ठीक है। अब हम यहाँ से आगे माजबात जाएंगे, कितना, 12 किलोमीटर, और उसके आगे 25 किलोमीटर बालेमू। बढ़िया, गुड।
अगर हम रोहता से ये रूट नहीं लेते ओरांग वाला और हम भैरवकुंड से आए होते तो वहाँ पर मैं आपको गेट दिखाता, बेसिकली वहाँ पर भूटान बॉर्डर है और साथ में समझ लीजिए एक तरफ अरुणाचल प्रदेश, एक तरफ असम और एक तरफ भूटान। लेकिन हमने ये रूट लिया तो वहाँ जाने के लिए हमको यू टर्न लेके जाना पड़ेगा, इसके लिए हम सीधे बालेमू की ओर जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश आने से लगभग 5 दिन पहले हमने अपना ILP निकलवा लिया था। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने ऑनलाइन अप्लाई किया तो सेम डे ही शाम को हमको ILP अप्रूव होके मिल गया। तो उसका 100 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज होता है, वो हमने ऑनलाइन पे किया और हमें स्क्रीन में सर्टिफिकेट दिख गया। तो ये बालेमू चेक पोस्ट है, सामने आप देख रहे हैं फाटक भी लगा हुआ है। यहाँ पर हमने ILP दिखा लिया, अब हम यहाँ से आगे जा रहे हैं। और बाई चांस अगर आप ILP लेके नहीं आते तो यहाँ पर भी ये लोग ILP बना देते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिस्क रहता है क्योंकि एक तो ऑफिस टाइमिंग्स होने चाहिए और वीकेंड नहीं होना चाहिए, मतलब सैटरडे संडे का टाइम नहीं रहना चाहिए। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप ऑनलाइन ILP निकलवा के आइए। चलिए जी आगे चलते हैं। अजय भाई चले, चेक पोस्ट से अभी हम लगभग 20 किलोमीटर आगे आए हैं। पहले सोचा था कलकतांग पहुंच के लंच करेंगे, लेकिन फिर रास्ते में हमने ये 3-4 ईटरीज देखी हैं, यहाँ पर अभी हम रुक गए हैं। इनको बोला है कि हमारे लिए चौमिन रेडी कर दो, 10-15 मिनट में जब तक चौमिन रेडी हो रहे हैं थोड़ा सा आगे टहलते हैं। और पहाड़ के ऊपर जो बादल टच कर रहे हैं ना, ये देखो जी व्हाट अ व्यू। यहाँ पर किसी ने बताया पिछले कुछ दिनों से बहुत बरसात हो रही है तो आपको आगे बारिश मिलेगी ऐसा बोला। पिछले 10 मिनट से मैं ऐसा धीरे धीरे चल रहा हूँ, पहाड़ के ऊपर बादल जो हैं उनको बहुत ध्यान से देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं सच बताऊँ मेरा मन क्या हो रहा है, जैसे अपन लंच कर लेंगे ना तो मैं इस रोड से ऐसा पैदल सीधे चलता रहूँ 10-12 किलोमीटर आराम से धीरे धीरे चलूँ 2-3 घंटे लगा के, और उसके बाद हम लोग गाड़ी में बैठे और आगे चलें। लेकिन अब वो तो प्रैक्टिकल करेंगे तो ये जो हमारा 11-12 दिन का तवांग टूर है ये बढ़ के हो जाएगा कम से कम 20-22 दिन का। चलो ईटरी के पास चलते हैं और पता लगाते हैं चौमिन रेडी हुए कि नहीं हुए। लो जी चौमिन रेडी है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन है, सिरके का जो स्वाद है ना वेरी गुड। और सबसे मेन बात पता है क्या, सब्जियां साथ डली हुई हैं, गरम गरम खा रहे हैं, मौसम ठंडा है और शांत सा एनवायरनमेंट है, तो सब कुछ मिला के ना एक अच्छा पैकेज बन गया है। गुड, अब लंच फिनिश करके हम आगे चलते हैं और कलकतांग से पहले अगर कुछ अच्छा सीनिक व्यू आएगा तो वो आपको दिखाएंगे। हम कलकतांग पहुंच चुके हैं। जैसे ही हम कलकतांग पहुंचे ना, एक बड़ा सा मैंने गेट देखा, लिखा हुआ था वेलकम टू कलकतांग। 2-2.5 किलोमीटर अंदर आए तो हमने एक छोटी सी मार्केट देखी जिसकी सारी दुकानें बंद थी, सिर्फ 5 या 6 दुकानें खुली हुई थी और वो भी सारी की सारी वाइन शॉप्स जो खुली हुई थी। फिर हम 1.5 किलोमीटर आगे आए और अब हम इस ब्रिज के पास आ गए हैं। ये पुल है जी, नीचे आप नदी देख लो कितना अच्छा लग रहा है ना। देखो पानी बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर खड़े होकर मेरे को अच्छा ज़रूर लग रहा है। और इस पुल के ऊपर बहुत सारे झंडे, व्हाट अ ब्यूटी। जैसा मैंने कुछ देर पहले भी देखा था ना, पहाड़ से बादल लगे हुए थे, वो चीज़ हमें यहाँ पर बहुत नज़दीक से दिखाई दे रही है। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ डिफरेंट बात पता है क्या है, बादलों की मूवमेंट दिखाई दे रही है, हल्के हल्के धीमे धीमे बादल चलते हुए महसूस हो रहे हैं। सुपर, अच्छा हो गया हम यहाँ पर आए। हालाँकि मेन रोड जहाँ से हमें सीधे जाना था, हम 3-3.5 किलोमीटर अंदर आ गए, लेकिन स्टिल वर्थ इट। 10-15 मिनट थोड़ा यहाँ पे टहलेंगे, मौसम का आनंद लेते हैं और व्यूज़ को और अच्छे से देखते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। ब्रिज के साइड से हम नीचे उतरकर पानी के पास आ गए हैं। अब यहाँ से देखो
कितना अच्छा लग रहा है। उफ, ऊपर से लग रहा था कि पानी का बहाव स्लो है, लेकिन यहाँ पर आगे करंट देखो आप, अच्छा खासा तेज है। सो ब्यूटीफुल। मैं कभी भी ऐसी जगह आता हूँ ना जहाँ पर पानी का बहाव होता है और पत्थरों से टकराता हुआ पानी आगे जा रहा होता है, तो मेरा मन बताऊँ क्या होता है, ऐसे किसी पत्थर पर बैठ जाओ और पानी में पाँव डाल लो, कितना मज़ा आएगा ना। कलकतांग छोटी सी जगह है, तो अगर आप यहाँ पर आएंगे, मतलब बॉमडिला के रूट में जाते समय यहाँ पे रुकते हैं, तो आधा घंटा पौना घंटा यहाँ पे गुजार सकते हैं। लंच भी आप यहाँ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कुछ एक ईटरीज हैं यहाँ पर, वो अलग बात है, इस समय हमें कोई भी ईटरी खुली हुई नहीं दिखाई दी, नो प्रॉब्लम। चलो बढ़िया, अब हम यहाँ से चलते हैं। ब्रिज से अभी हम लगभग 1 किलोमीटर ही आगे आए हैं, तो हमारी नज़र पड़ी सामने इस वाटरफॉल पे, तो फटाफट हमने गाड़ी रोकी कि पानी के नज़दीक जाएंगे, लेकिन यहाँ आके देखा कि पानी के नज़दीक नहीं जा सकते। अब आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, देखो कोई रास्ता नहीं है नीचे उतरने का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर खड़े होकर अच्छा ज़रूर लग रहा है। हम ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से फॉल से 70-80 मीटर ही दूर है, सही लग रहा है ना। अभी देखो मई मंथ में यहाँ बरसात स्टार्ट हो जाती है, अभी अप्रैल है तो पानी इतना है, तो फिर आगे चलकर जब बरसात के समय ज़्यादा पानी रहता रहेगा। और ऊपर ना वहाँ पर डैम है, तो इस समय जो पानी आ रहा है ना, डैम का जो एक्स्ट्रा पानी है वो छोड़ रहे हैं, सही है, गुड। चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं, कोशिश करेंगे कि बॉमडिला पहुँचने से पहले हम डिनर करें। मोस्ट प्रोबेबली हमको शेरगांव में डिनर के लिए रुकना होगा। आइए जी, हम शेरगांव पहुंच चुके हैं। अभी हम यहाँ पर एक ईटरी में आए हैं, आपके इसका नाम है फूड हट, तो आप यहाँ के ओनर हो। एक चीज़ बताइए, जब मैं इधर आने के लिए प्लानिंग कर रहा था ना, तो मैं पहले ढूंढ रहा था शेरगांव में रहेंगे कहाँ पर, होमस्टे मैं सर्च कर रहा था, मुझे इंटरनेट पे कुछ मिल नहीं रहा था, तो यहाँ पर होमस्टेज हैं? बिल्कुल है। अच्छा, यहाँ पे 3-4 होमस्टेज हैं और गेस्ट हाउस भी है? जी। ओह वेरी गुड। अच्छा एक चीज़ और बताइए, अभी आपके यहाँ पर खाने में हमको क्या मिल सकता है, थुपा मोमोज वेज? वेज, हाँ वेज मोमो, वेज थुपा, वेज थाली, रोटी, सब कुछ। अच्छा सब कुछ मिल सकता है, तो आप हमारे लिए ना एक थुपा बना दीजिए, एक सर्विंग। ठीक है, जरूर। ठीक है, चलो थैंक्स, और उसके बाद मैं आपसे नोट करके इन्फॉर्मेशन ले लेता हूँ। लो जी, थुपा रेडी हो गया, टेक्स्चर तो बड़ा सही लग रहा है। प्याज, पत्ता गोभी, गाजर, धनिया, नूडल्स, सही है, गुड। टेस्ट में बहुत सादगी है, क्योंकि इसमें मसाले के नाम पे सिर्फ हल्का सा नमक है और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, बाकी सारी सब्जियां, गुड टेस्ट। क्वांटिटी देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरी बोल खा लेने के बाद ना आपका 80% डिनर तो इसी में हो जाएगा। एक काम करते हैं, थोड़ा सा शेजवान पेपर भी डाल लेते हैं, इसको ज़्यादा डाल लिया ना तो ज़ुबान नम हो जाएगी। सो ये टेस्ट इम्प्रूव हो गया। का जो ओरिजिनल टेस्ट था ना सादगी का, वो अब खत्म हो गया, क्योंकि मैंने ये चटनी थोड़ी सी ज्यादा डाल ली, हालांकि शेजवान पेपर से टेस्ट मजेदार हो गया था। एनीवेज, ओवरऑल मेरे को टेस्ट यहाँ पे पसंद आ रहा है और जगह भी बहुत पसंद आ रही है। इस समय देखो अंधेरा है पूरा, मैं कुछ आपको बाहर दिखाई नहीं सकता, लेकिन जब हम आए थे ना तब इतना अंधेरा नहीं था, हल्का हल्का नजर आ रहा था और फील हो रहा था कि आप कैसी जगह आए हो। तो इसको मैं फिनिश करता हूँ और फिर आपको कुछ देर में दोबारा ज्वाइन करेंगे, या तो शेरगांव पहुंचकर, या फिर सॉरी शेरगांव में तो बैठे, या तो रूपा पहुंचकर, नहीं तो बॉमडिला। अगर मुझे सफर दोबारा करना हो तो मैं प्रेफर करूंगा रोहता से हम भैरवकुंड के रास्ते बालेमू के ओर जाएं, ऐसा करने से हम लोग भूटान बॉर्डर देख लेते। मैंने ये सोचकर ओरांग का रूट लिया था कि वहां पर हम रसगुल्ला खाएंगे,
तो रसगुल्ला मेरे को क्योंकि थोड़ा एवरेज सा ही लगा, तो ये रीज़न की वजह से मुझे लगता है कि हमें भैरवकुंड के रास्ते से चले जाना चाहिए था। एनीवेज, दूसरी बात ये है कि हमें गुवाहाटी से सुबह 5 बजे चलना चाहिए था। रास्ते में हम लोग नाश्ता मंगलदोई में कर सकते थे, या मंगलदोई से पहले खारकुआ करके एक डिसेंट सा रेस्टोरेंट है, हम कुछ देर के लिए यहाँ पर रुके थे। लाइट ब्रेकफास्ट के हिसाब से मैंने अपने लिए ग्रिल सैंडविच मंगवाया है, ये आप ग्रिल सैंडविच देख लीजिए। रेस्टोरेंट मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है, हल्का हल्का म्यूजिक चल रहा है और नाइस सिटिंग स्पेस। आपका टारगेट होना चाहिए कि दोपहर में 1 बजे तक आप शेरगांव पहुंच जाओ, वहां पर लंच करो, 3 से 4 घंटे आप शेरगांव को एक्सप्लोर करो। शेरगांव से बॉमडीला कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 1 से 1.25 घंटे के ही डिस्टेंस पर है। शेरगांव के नेचुरल ब्यूटी के बारे में मुझे बहुत लोगों ने बताया था, इसलिए हम रिटर्न में वापस शेरगांव आए और फिर हमने कुछ समय शेरगांव में बिताया। हम बॉमडीला पहुंच चुके हैं, इस समय बाहर ना फुल अंधेरा है और बहुत सारा फॉग है, तो विजिबिलिटी तो कुछ समझ में नहीं आएगा बाहर क्या है। तो अभी देखिए हम यहाँ पर सनशाइन रेस्टोरेंट में आए हैं, तो मैंने पता लगाया कि खाने में इनके पास क्या ऑप्शंस हैं। तो रेस्टोरेंट बंद ही होने वाला था, तो इन्होंने बोला कि अभी काम करिए, आप चाउमीन खा लीजिए या मोमोज हैं, तो मुझे लगा चाउमीन बेहतर रहेगा। वैसे आज दोपहर में भी हमने चाउमीन ही खाए थे। मौसम यहाँ पर ना देखिए काफ़ी ठंडा है, 7,300 फीट हाइट पर हमें बॉमडीला, वेदर अच्छा खासा ठंडा है और फॉग इतना सारा था रास्ते में, कुछ जगह तो ऐसे आई थी 100-100 मीटर 200-200 मीटर के एरिया, इनफैक्ट जहाँ पर विजिबिलिटी एकदम जीरो हो गई थी, तो गाड़ी वहाँ पर हमको वर्चुअली रोकनी पड़ी और बहुत धीरे धीरे से आगे बढ़ना पड़ा। बाकी ओवरऑल विजिबिलिटी डाउन तो चली रही थी काफ़ी देर से, और मैंने शाम तक जैकेट नहीं पहनी थी, लेकिन कुछ देर पहले मैंने जैकेट भी पहन ली, इसे आप अंदाज़ा लगा लो मौसम ठंडा है। सही है, चाउमीन दोपहर में भी अच्छे थे और ये वाले भी बहुत बढ़िया हैं। यहाँ पर आके मैंने नोटिस किया, आप किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी ईटरी में जाएंगे ना, आपको वो पानी खाने के साथ गर्म देंगे, जैसे यहाँ देखिए एकदम अच्छा खासा गर्म पानी साथ दिया और साथ में इसमें पानी है, तो आप ये पी लीजिए और बाकी गर्म पानी और ऐड कर लीजिए। अब मैं आपको ना यहीं पर बाय बाय कर रहा हूँ, अब हम आपसे कल सुबह मुलाकात करेंगे। जहाँ पर हमने रहना है वो जगह यहीं पर पास में ही है, तो हम वहाँ चले जाएंगे और कल मॉर्निंग में आपको बॉमडीला दिखाएंगे और उसके बाद हम कल नाइट स्टे दिरांग में करेंगे। दिरांग यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 1 घंटे के रास्ते पे है। तो बॉमडीला में बहुत ज़्यादा घूमने जैसा नहीं है, क्योंकि बॉमडीला इज़ मोर लाइक अ हॉल्टिंग पॉइंट फॉर टूरिस्ट। अगर कोई गुवाहाटी से लोग चलते हैं तो वो लोग बॉमडीला में फर्स्ट नाइट रुकना पसंद करते हैं, और कुछ लोग अगर गुवाहाटी से सुबह जल्दी निकल जाए तो वो लोग फर्स्ट नाइट दिरांग में भी रुक जाते हैं। ठीक है, अभी के लिए बाय बाय। आज का ये छोटा सा एपिसोड बताइए आपको कैसा लगा। अब कल से ये सफ़र हमारा और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि अब हम पहुँच चुके हैं अरुणाचल प्रदेश बॉमडीला, तो कल से हम आगे चलेंगे और बहुत खूबसूरत खूबसूरत साइट सीइंग व्यूज देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम। हर 500 मीटर पर मन होता गाड़ी रोके व्यू देखें, लेकिन अब ना गाड़ी हमने रोक ली है। मैं आपको ऐसा व्यू दिखा रहा हूँ जिसको 1 घंटा भी देखते रहोगे ना नज़रें नहीं भरेंगी, मतलब आपका मन नहीं भरेगा, दिल करेगा और देखो और देखो। देख लो जी आप सामने कैसा व्यू है।